राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को कम करने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। आग जलाने, जनरेटर चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन लोग कूड़े के ढेरों में आग जलाने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार इलाके के लोनी बॉर्डर और शिव विहार बॉर्डर सीमा के बीच कूड़े के ढेर में आग लगने से दिल्ली की स्थानीय जनता को काफी परेशानी का सबब उठाना पड़ रहा है। धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और रात को सोने में परेशानी उठानी पड़ रही। साहब, ये इलाका है बिल्कुल कहें तो दिल्ली और यूपी का एकदम बॉर्डर है, लेकिन जिस तरफ ये समस्या उत्पन्न है वो प्रॉपर वो जो एरिया है वो यूपी में आता है। अच्छा, ये आग कब से लगी हुई और स्थानीय लोग काफी परेशान है, इसके क्या इंतजाम किए गए? सर, सबसे पहले तो हमें अपने खुद से ही इस चीज को समाधान करना पड़ेगा कि हमें खुद ही कूड़ा नहीं डालना और जो कोई कूड़ा डाले उसे मना करना है। और ये आग पिछले 3 दिन से लगी हुई थी यहाँ पर, जो सुलगती सुलगती इतनी ज्यादा समस्या बन चुकी थी कि यहाँ पे 10 मिनट भी आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी जहरीली यहाँ से इसमें धुआं निकल रहा था। कहाँ की गाड़ी आई है फायर के? ये यूपी का नंबर हमने डायल किया था 112, यूपी पुलिस तत्काल कार्रवाई में आई, 10 मिनट में यहाँ गाड़ी पहुंच गई और 10-15 मिनट में यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और बहुत जल्दी एक्शन लिया गया इस पे और अब इसमें काम चालू है, इसको आधे घंटे पौन घंटे में इसको समाधान कर दिया जाएगा इस समस्या का। स्थानीय जनता का कहना है कि ये कूड़े में आग 2 दिनों से लगी है, बॉर्डर सीमा होने के चलते किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय जनता ने समर सेवल द्वारा कूड़े के ढेर में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ नहीं पाई। ये आग रात लगी है और जो पहले वाली आग लग रही है वो 1 हफ्ते से लग रही है। क्या परेशानी हो रही है इससे? सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में आंखें नहीं खुल रही और कैंसर ही है। फायर विभाग को सूचना दी इसके? किसी ने कुछ नहीं करा। छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से? सब खांस रहे, कुछ सोए भी नहीं है 2 दिन से, तो कोई सो भी नहीं रहा ढंग से। इसके बाद स्थानीय जनता ने यूपी के 112 नंबर पर कॉल किया और उसके बाद यूपी की फायर विभाग की गाड़ी आग बुझाने पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन 2 दिनों से स्थानीय जनता बेहद परेशान रही। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्लीबख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8506973234।